हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एप्पल वॉच का एक्सेसिबिलिटी फीचर वो दिखाने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने एप्पल वॉच में एक्सेसिबिलिटी एक फ़ीचर रहता है, उसमें असिस्टिव टच एक ऑप्शन है, उसको आप जब सिलेक्ट करेंगे ये काफ़ी सारा चीज़ ये एक्टिवेट हो जाता है, जो आप अपने वॉच को बिना टच किए यूज़ कर सकते हैं। कभी आपका हैंड दोनों हाथ ही बिजी रह सकता है, तब इस वक्त में कभी आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, तो उस टाइम में ये काफ़ी काम में आने वाला है। तो आप जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ये दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आपको जस्ट इसको एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हो गया, डबल पिंच कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसको कैलेंडर वन पिंच कीजिए और इसको एक बार और एक बार क्लेंस करते हैं। देखिए फुल कैलेंडर आ गया। अब इसका क्राउन प्रेस करना है। देखिए इसको क्राउन प्रेस करने के लिए आपको जस्ट फिर सिलेक्ट करना है। ये अभी नेक्स्ट ऑप्शन के लिए इसे पिंच करना है। अभी देखिए यहाँ पे पिंच हो गया। अभी इसका देखिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको देख सकते हैं। फिर आप इसको नेक्स्ट स्क्रीन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको स्वाइप लेफ्ट करने के लिए मैं यहाँ गया, फिर सिलेक्ट किया। देखिए अभी ये लेफ्ट जा रहा है। तो ये काफ़ी इजी है, कुछ दिन लगेगा आपको एकस्टम होने के लिए। फिर से एक्टिव करते हैं, फिर क्राउन प्रेस करते हैं। एक बार क्लेंस करना है, क्राउन प्रेस हुआ। अभी देखिए यहीं से मेल चेक करते हैं। ये मैंने गलत प्रेस किया है, कोई बात नहीं, इसको और एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक बार सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये जितना सारा ईमेल है अभी ये दिखाएगा। इसको अगर स्वाइप अप करना है तो फिर से ये ऑप्शन में जाते हैं और एक बार जाते हैं। ये देखिए अभी ये स्लाइड अप हुआ, और एक बार करने से और अप गया। ये काफ़ी इजी है, आपको बस इसमें एकस्टम होना है। इसको फिर से बैक जाते हैं, क्राउन प्रेस करते हैं। अभी देखिए ब्लड ऑक्सीजन यहीं से सिलेक्ट करते हैं, बैक और एक बार प्रेस करते हैं। ये ब्लड ऑक्सीजन यहीं से आप विदाउट टचिंग कर सकते हैं। अभी देखिए स्टार्ट। ये काफ़ी इजी है, ये काफ़ी आपको काम में आने वाला है। तो ये एक एप्पल का एप्पल वॉच का एक छोटा सा फीचर है, और आपको कॉल रिसीव करने के लिए भी काफ़ी आसान है। आप डायरेक्टली अपने हाथ को वहाँ पे एक ऑप्शन आ ही जाता है जब आपका कॉल आता है। देखिए मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 99% है, ये काफ़ी एक्यूरेटली दिखाता है। हालांकि एप्पल ये क्लेम करता है कि ये मेडिकल ग्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेडिकल ग्रेड नहीं भी है, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट काफ़ी सही माना जाता है। और इसमें ये एप्पल वॉच 7 में आपका एक नया फीचर है ECG, ये भी काफ़ी काम का है। ECG का तो अभी कोई वॉच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका डेटा कितना एक्यूरेट है वो बाद में, इसका आप अगर मेडिकल ग्रेड का अगर कोई टेस्ट करते हैं तो उसके साथ कंपेयर करने से ही आपको आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसका एक्यूरेसी कितना है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा, ये काफ़ी कन्वीनियंट है, तो मैंने सोचा इसको शेयर करना ज़रूरी है। तो आपने अगर यूज़ नहीं किया ये फ़ीचर आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप काइंडली ये एक बार देख लीजिएगा। अगर आप ये वॉच अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर ये सब फीचर अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका जितना इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट वो आपका पूरा फुल आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो थैंकिंग यू अगेन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।